दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो सैटेलाइट्स धरती के ऊपर खराब हो जाती है उनका आखिर क्या होता है? वेल, स्क्रीन पर डबल टैप करो और चलो जानते हैं। देखो, आज के समय में वैसे तो करीब 8000 से ऊपर सैटेलाइट्स धरती को ऑर्बिट कर रही है, पर इनमें से जब इन सैटेलाइट्स का अंत करीब आने लगता है तो इन्हें दो तरह से डील किया जाता है। अब पहले तरीके में छोटी सैटेलाइट्स को उनमें स्टोर्ड फाइनल फ्यूल की मदद से धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करवा दिया जाता है, ताकि उनके कम्प्लीटली इनएक्टिव होने के बाद वो धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाए, जिसके बाद वो खुद ही कर खत्म हो जाएंगे। बट कुछ सैटेलाइट्स का साइज इस बर्निंग लिमिट से बहुत बड़ा होता है, और ऐसे ही सैटेलाइट्स के लिए उनके फाइनल फ्यू डेज में उन्हें पैसिफिक ओशियन के ऊपर एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जाता है जहां से दूर दूर तक जमीन का कोई भी नामो निशान नहीं होता। और पैसिफिक ओशियन के इस स्पेसिफिक पॉइंट को सैटेलाइट्स को डंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जमीनी हिस्से को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और अभी तक करीब 300 सैटेलाइट्स को ठिकाने लगाए जाने के कारण इस पॉइंट को स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री के नाम से भी जाना जाता है।